नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां गौवंश में फैल रहे लंपी संक्रमण के चलते नोहर के बीमार गौवंश को गौ भक्तों द्वारा नोहर के शादीराम पचीसिया पाठशाला में इकट्ठा कर दिन रात सेवा कर रहे हैं। इस कड़ी में टीले वाली गौशाला में गौवंश की सेवा में अपनी एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है। नोहर विधायक अमित चाचान ने भी गौवंश के लिए 10 लाख रुपए की अभिशंसा की है। बीमार गौवंश के इलाज के लिए दूरभाष पर वार्ता करने पर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओपी किलिनिया ने कहा कि स्थानीय पशु चिकित्सकों को निर्देशित किया जा रहा है कि जो समय समय पर गौवंश की देखभाल कर पाएंगे। गौवंश में मौजूदा समय में चले संक्रमण के दौरान नोहर के गौ भक्तों द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं सेवाएं की जा रही? नोहर में गौ भक्तों द्वारा बहुत ही सुंदर और बढ़िया काम किया जा रहा है। जितने भी गौवंश या जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, शहर में घूम रहे हैं, उनको गौ भक्त टीले वाली गौशाला ने उनको एम्बुलेंस उपलब्ध करा रखी है, जिस एम्बुलेंस की सहायता से वो उन गौवंशों को शहर से या जो भी गौ भक्तों के पास फोन आ रहे हैं वहाँ मौके पर जाकर एम्बुलेंस में लेकर के आकर के नोहर में शादीराम पचीसिया पाठशाला है उसके पीछे जो खाली जगह है वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें चारा पानी और दवाई की गौ भक्त सेवा कर रहे हैं, फिटकरी से नहला रहे हैं और अति सुंदर और बढ़िया व्यवस्था गौ भक्तों के द्वारा की जा रही है नोहर में शादीराम पचीसिया पाठशाला में। गौवंश की सेवा में राज्य सरकार द्वारा कोई नगद राशि जारी की गई है, तो उसके बारे में बताएं। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। हमारे विधायक से जब जो नोहर के विधायक अमित चाचान हैं उनसे चर्चा की तो उन्होंने तुरंत गौवंश की इस बीमारी के लिए 10 लाख रुपए की अनुशंसा की, जो 5 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति के माध्यम से लगेंगे और 5 लाख रुपए शहरी क्षेत्र के लिए जो नगर पालिका के माध्यम से लगेंगे। राज्य सरकार भी इस बीमारी के प्रति गंभीर है और वो अपने प्रयास बहुत ही अच्छे तरीके से हनुमानगढ़ में इसका कंट्रोल रूम जारी किया है, नंबर भी सूचना जनसंपर्क